Good morning students, you are welcomed in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic of chapter Digestive System of Human, जिसके अंदर जो है अपन इसोफेगस और स्टमक के बारे में बात करने वाले हैं. आपको पता ही होगा the opening or we can say opening of alimentary canal is gullet, और इसके नीचे जो है एक long tubular structure पाई जाती है which is almost 22 to 25 centimeter in length. Which is almost 22 to 25 centimeter in length. That structure is known as esophagus. We can also say कि ऐसे structure जो कि pharynx, किसके बीच में pharynx और stomach के बीच में पाई जा रही है. ऐसे structure जो कि pharynx और stomach के बीच में पाई जा रही है, उस structure को अपन क्या बोलते हैं? Esophagus. और esophagus जो है, इसकी length जो है लगभग होती है 22 से 25 सेंटीमीटर, ओके? इसके बाद में जो है इसोफेगस जो है आगे चलकर एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है, और उस जे शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है स्टमक. और जहां पे ये ओपन होती है वहां पे एक स्पिंचर पाया जाता है, और उस स्पिंचर का नाम है कार्डियक स्पिंचर. दैट स्पिंचर इज कार्डियक स्पिंचर, और वी कैन से दिस स्पिंचर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर. जिस स्पिंचर की हेल्प से इसोफेगस स्टमक के अंदर खुल रहा है, उस स्पिंचर का नाम है कार्डियक स्पिंचर, और दिस इज आल्सो नोन एज कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर. एंड समटाइम इट इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर. उसके बाद में हम बात करते हैं स्टमक की. स्टमक जो है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और वी कैन से दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक बोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो है फूड कुछ समय तक स्टोर्ड होता है. इफ वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है 2 से 3 घंटे स्टे करता है. इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन जो है 3 से 4 घंटे स्टे करता है इसके अंदर. और इफ वी टॉक अबाउट फैट, फैट जो है इसके अंदर 4 से 5 घंटे स्टे करता है. इसका मतलब फूड जो है ऊपर से ट्रेवल करके आ रहा है, वो स्टमक के अंदर स्टे कर रहा है, ओके? तो स्टमक को जो है वे फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. टॉप मोस्ट पार्ट जो है फंडस होता है. दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक. इसके बाद में जो है इसके साइड के अंदर जो पोर्शन पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज कार्डियक. और कार्डियक के अंदर ही एक तरीके से जो है इसोफेगस ओपन हो रहा है, और जो सबसे नीचे पाया जा रहा है दैट इज नोन एज पाइलोरिस. पाइलोरिस जो है आगे चलकर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाता है. बट यहाँ पे जो स्पिंचर पाया जाता है, उस स्पिंचर का नाम है पाइलोरिस स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर, राइट? इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे किसके पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल के. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल जो है 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, जिसमें आउटर लेयर को जो है अपन ने जो है म्यूकोसा बोला था, सीरोसा बोला था आउटर मोस्ट लेयर को. उसके बाद में मस्कुलरिस, थर्ड इज सबम्यूकोसा एंड फोर्थ इज म्यूकोसा. तो इसके अंदर स्टमक के अंदर जो सेकेंड लेयर होती है मस्कुलरिस, उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं. 1 इज सर्कुलर मसल, 2 इज लॉन्गिट्यूडनल मसल. और इसके अलावा स्टमक के अंदर मस्कुलरिस के अंदर एक अलग से लेयर पाई जाती है, दैट इज ऑब्लिक मसल. तो ये एक स्पेशल हो गया कि जो स्टमक है, स्टमक की मस्कुलरिस के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जा रही है, ऑब्लिक मसल. इसके अलावा 2 कॉमन लेयर्स तो पाई जाती ही है, एक तो सर्कुलर मसल और एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. ऑलराइट, इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं इसके अंदर जो इनफोल्ड्स है स्टमक के अंदर, म्यूकोसा के अंदर जो इनफोल्ड्स है उसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं. इसके अंदर 2 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है. 1 इज पाइलोरिक ग्लैंड एंड 2 इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इट इज कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. 1 इज पाइलोरिक एंड 2 इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. जो पाइलोरिक ग्लैंड है, इट्स बेसिक फंक्शन इज सिक्रेटिंग ऑफ म्यूकस और सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. Sometime this pyloric gland is also known as goblet gland. बहुत बार जो है pyloric gland को जो है goblet gland भी बोलते हैं, और इसका main function होता है secretion of mucus. इसके अलावा mucosa के अंदर जो सबसे inner most layer है, उसके अंदर एक और gland पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं gastric glands. gastric glands के अंदर जो है different types की cells पाई जाती हैं, जिसके अंदर according to your book
यहाँ पे दो टाइप की सेल्स रखी हैं, नंबर वन इज जाइमोजन एंड नंबर सेकंड इज ऑक्सेंटिक सेल्स. नंबर सेकंड इज ऑक्सेंटिक सेल्स. जाइमोजन का जो है दूसरा नाम चीफ सेल्स होता है और ऑक्सेंटिक का दूसरा नाम होता है पेराइटल सेल, जिसके अंदर जाइमोजन तो जो है एक एंजाइम को सिक्रेट करती है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजिन एंजाइम. और ऑक्सेंटिक सेल जो है एचसीएल को सिक्रेट करती है तथा जो ये जो स्टमक होता है इसके मीडियम को एसिडिक बनाती है. दे मेक इट्स मीडियम एसिडिक, जिससे कि जो है किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ग्रोथ नहीं करे और किसी भी प्रकार के डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये जो स्मॉल सॉरी इसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको अपन गुलेट बोलते हैं. इसोफेगस जो है 22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है. ये स्टमक के अंदर ओपन होती है, स्टमक के अंदर जिस स्पिंचर से ओपन होती है उस स्पिंचर का नाम है कार्डियक स्पिंचर या फिर कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर या फिर गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर. ओके, स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक फंडस एंड पाइलोरिस. जो फंडस बिगेस्ट होता है कार्डियक में जो है कार्डियक स्पिंचर ओपन होता है और पाइलोरिस के अंदर जो है पाइलोरिक स्पिंचर ओपन होता है. नीचे जो है स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसके अंदर? ड्यूडोनम के अंदर. इसके अलावा जो इसकी म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा के अंदर जो है इनफोल्ड्स पाए जाते हैं. इनफोल्ड्स के अंदर जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ग्लैंड्स कौन सी? पाइलोरिक एंड गैस्ट्रिक. पाइलोरिक का फंक्शन होता है सिक्रीटिंग म्यूकस एंड गैस्ट्रिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक और जाइमोजन. ऑक्सेंटिक का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ एचसीएल और जाइमोजन का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन. इसके अलावा जो इसकी जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के अंदर चार लेयर्स पाई गई थी. जो सेकंड वाली लेयर थी मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर जो है दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक तो सर्कुलर और एक लॉन्जिट्यूडनल. बट स्टमक की जो मस्कुलरिस होती है उसके अंदर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है, दैट इज ऑब्लिक मसल्स. ओके, तो ये था इसोफेगस और स्टमक के बारे में. इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करने के बाद में एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके.